नमस्कार। हमारे घर या लिविंग स्पेस में बनी हुई टॉयलेट कैसे हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है, कैसे एक गलत दिशा में बनी हुई टॉयलेट सारे पैसे को फ्लश आउट करना शुरू करती है, कैरियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज को मिस करवाना शुरू करती है, फैमिली हारमोनी को डिस्टर्ब करती है और हमारे एफर्ट्स का हमें सही से लाभ नहीं मिल पाता है, कभी कभी सीवियर हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। नमस्कार, मैं हूँ महावास्तु आचार्य विकास गोलछा और आज हम जानेंगे अलग अलग महावास्तु दिशाओं में टॉयलेट्स के प्रभाव। जब हम टॉयलेट्स की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय है टॉयलेट सीट्स का, जिसका मूलतः फंक्शन है फ्लश आउट करना या ड्रेन आउट कर देना। अमूमन अगर गलत दिशा में यह टॉयलेट सीट आ जाती है तो यह उस दिशा के गुणधर्म को फ्लश आउट करना शुरू कर देती है और उसके दिशा बल को भी कमजोर करना शुरू करती है। जैसे कि महावास्तु की 16 दिशाओं के बारे में आप सभी लोग भलीभांति परिचित हैं, उनके फिक्स गुणधर्म और फिक्स एलिमेंट्स के बारे में भी आप सभी जानते हैं, इन्हीं फिक्स एलिमेंट्स से जुड़े होते हैं इनके फिक्स कलर। तो आइए इन्हीं 16 दिशाओं में टॉयलेट सीट्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले उत्तर दिशा, जो कि कैरियर और अपॉर्चुनिटीज की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में टॉयलेट सीट्स कैरियर और अपॉर्चुनिटीज को फ्लश आउट करती है और घर में रहने वाले लोगों की ओवरऑल ग्रोथ को कमजोर कर देती है। अगली दिशा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, हेल्थ और इम्यूनिटी की डायरेक्शन, इस दिशा में टॉयलेट सीट्स हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज देती है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और व्यक्ति बार बार बीमार पड़ना शुरू कर देता है। अगली दिशा नॉर्थ ईस्ट, जो कि माइंड एंड क्लैरिटी की दिशा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। इस दिशा में अगर टॉयलेट सीट्स है तो सीवियर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलते हैं, मेमोरी लॉसेस, पैरालिसिस और न्यूरोलॉजिकल इश्यूज और सीवियर हेल्थ कंसर्न्स होते हैं। महावास्तु स्ट्रांगली रिकमेंड करता है कि अगर इस डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आपके घर में टॉयलेट है तो उसे तुरंत प्रभाव से वहां से हटा देना चाहिए। अगली डायरेक्शन ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, फन और रिक्रिएशन की डायरेक्शन, इस दिशा में टॉयलेट सीट्स व्यक्ति के जीवन में लेजीनेस, लेथार्जी लेके आता है और व्यक्ति नए विचारों को, क्रिएटिविटी को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। ये डायरेक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस है, इस डायरेक्शन में टॉयलेट सीट्स अवॉइड करनी चाहिए। अगली डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन, सोशल कनेक्टिविटी की डायरेक्शंस, इस डायरेक्शन में बनी हुई टॉयलेट सीट्स व्यक्ति के जीवन में सामाजिक जुड़ाव को कमजोर करती है और अभाव देती है कि वह समाज से जुड़ नहीं पाता है। नेक्स्ट डायरेक्शन ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन, एंजाइटी और चर्निंग की दिशा है, यह दिशा एक आइडियल डायरेक्शन है टॉयलेट सीट्स के लिए। इस दिशा में टॉयलेट सीट्स व्यक्ति के जीवन में सही चर्निंग और सही टाइम पर सही डिसीजन लेने में मदद करती है। अगली डायरेक्शन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, कैश फ्लो की डायरेक्शन, अगेन इस डायरेक्शन में अगर टॉयलेट सीट्स आपके घर में है तो आपको कैश क्रंचेस जैसे समस्या का सामना करना पड़ सकता है और आपके किए हुए काम सही टाइम पर पूरे नहीं हो पाते हैं, तो आपको अपने घर में चेक करना है कि कहीं आपके घर में साउथ ईस्ट में टॉयलेट तो नहीं है। अगली दिशा है साउथ साउथ ईस्ट, फायर एलिमेंट की डायरेक्शन पावर और कॉन्फिडेंस देती है। यह डायरेक्शन में अगर आपके घर में टॉयलेट सीट्स है तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ जील, लो मोटिवेशन प्रदान करती है। नेक्स्ट डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन नेम एंड फेम एंड रिलैक्सेशन की डायरेक्शन है। दिशा में टॉयलेट होने से रिलैक्सेशन कहाँ गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। बिजनेस हाउसेज में देखा गया है कि यह नेम और गुडविल को भी इफेक्ट करती है। नेक्स्ट डायरेक्शन साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, डिस्पोजल की डायरेक्शन एक आइडियल एक्टिविटी है टॉयलेट सीट्स के लिए, पर्टिकुलरली बिल्कुल सही मैच करती है टॉयलेट सीट्स की एक्टिविटी के साथ में। नेक्स्ट डायरेक्शन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, फैमिली और हारमोनी की डायरेक्शन, इस दिशा में टॉयलेट सीट्स होने से व्यक्ति फैमिली रिलेशनशिप में कुछ मिस करना शुरू कर देता है, हारमोनी डिस्टर्ब हो जाती है और अपने स्किल को सही टाइम से सही तरीके से नर्चर नहीं कर पाता है। नेक्स्ट डायरेक्शन वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि सेविंग की और लर्निंग की डायरेक्शन है। इस दिशा में टॉयलेट सीट्स सेविंग नहीं होने देती है और अगर आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो वो अपने सही एफर्ट्स डालने के बाद में भी एग्जाम में सही मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं और लर्निंग पावर कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट डायरेक्शन जो है दैट इज वेस्ट डायरेक्शन, गेन्स और अपॉर्चुनिटीज की डायरेक्शन है। इस दिशा में टॉयलेट सीट्स व्यक्ति को सही टाइम पर उसके एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं देती है और प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज भी इस डायरेक्शन में टॉयलेट सीट होने के कारण देखे गए हैं। नेक्स्ट डायरेक्शन वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, जो कि डिप्रेशन की डायरेक्शन है, अगेन एक आइडियल एक्टिविटी है टॉयलेट सीट्स के लिए। इस दिशा में टॉयलेट सीट्स होने से व्यक्ति सही टाइम पर अपने इमोशंस को रिलीज करके डिप्रेशन से ओवरकम कर पाता है, एक आइडियल एक्टिविटी है टॉयलेट सीट्स होने के लिए। अगली डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, सपोर्ट की डायरेक्शन है। इस दिशा में अगर टॉयलेट सीट्स है
तो हमें सही टाइम पर सही सपोर्ट नहीं मिल पाती है और बैंकिंग से रिलेटेड इश्यूज भी इस डायरेक्शन में टॉयलेट सीट होने के कारण देखे गए हैं। नेक्स्ट दिशा है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की, यानी कि अट्रैक्शन की डायरेक्शन, जो कि एक आइडियल डायरेक्शन है न्यूली मैरिड कपल्स के लिए। अगर इस दिशा में टॉयलेट सीट्स है तो वो उनके रिलेशनशिप्स को इफेक्ट करती है और उनके बीच में अट्रैक्शंस को कम कर देती है। इस प्रकार से हमने जाना कि सभी 16 दिशाओं में टॉयलेट्स के क्या क्या प्रभाव होते हैं। अगर आप भी इन्हीं में से किसी प्रभाव को अपने जीवन में चैलेंजेस कर रहे हैं या फेस कर रहे हैं, तो आपको अपने घर में चेक करने की ज़रूरत है। अपने घर की दिशाओं में टॉयलेट सीट्स को चेक करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। अपने मोबाइल में चेक माई वास्तु ऐप को आप डाउनलोड करें, घर के सेंटर में जाके खड़े हों, घर के सेंटर में जाकर आप अपने घर की सभी दिशाओं को ऑब्जर्व करें और ऑब्जर्व करें कि किन किन दिशाओं में टॉयलेट सीट्स आपके घर में फॉल कर रही है और क्या उनके प्रभाव आपको नज़र आ रहे हैं। तो आपको अपने घर में टॉयलेट सीट्स को ट्रीट करने की आवश्यकता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सभी के लिए लाभप्रद रहा होगा और आपको सहायक होगा अपने घर में वास्तु दोषों को पहचानने के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।